इस जीत पर गुमान पाकिस्तान भी करेगा क्योंकि पाकिस्तान के लिए कुदरत के निजाम के दरवाजे जो है शायद इस मैच के बाद खुल जाते हैं। अगर बरसात आ गई और पूरा मैच खुल गया और न्यूजीलैंड को श्रीलंका को पॉइंट शेयर करना पड़ा तो आई थिंक वो पाकिस्तान के लिए बेस्ट चांस। एक ऐसी पारी जिसे आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से कह सकते हैं, एक ऐसी पारी जिसके बाद शायद वर्ल्ड क्रिकेट में जब कभी कोई टीम फंसेगी तो दुनिया ये कहेगी क्या आज आप अपनी टीम के लिए ग्लेन मैक्सवेल बन सकते हैं। एक ऐसी पारी जिसने क्रिकेट को एक नए सिरे से डिफाइन कर दिया, एक ऐसा जज्बा जिसने अपने देश के लिए समर्पण की एक नई पटकथा लिख दी। ग्लेन मैक्सवेल ने तो आज अपने हिस्से का काम कर दिया, लेकिन क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है? ऑस्ट्रेलिया की इस जीत से पाकिस्तान को कितना फायदा होगा और क्या अफगानिस्तान के अभी भी सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस पाकिस्तान से ज्यादा हैं? आइए आपको इन सारी बातों पर भारतीय साफी का रिएक्शन दिखाते हैं। एक ऐसी रूपरेखा जिसको लेकर इतिहास में हमेशा इसका जिक्र होगा और ये बताया जाएगा कि जब 91-7 पर 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के सामने संघर्ष कर रही थी और अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के गुरूर को रौंद रहा था, तब मैक्सवेल ने एक टांग पर खड़े होकर कैसे न सिर्फ अपने देश की इज्जत बचाई बल्कि अफगानिस्तान के सेमीफाइनल के सपने को लगभग चकनाचूर कर दिया और वर्ल्ड क्रिकेट में कैसी पारी खेल दी जिसका जिक्र न इससे पहले कभी किसी ने किया था न आगे होगा। इस जीत पर गुमान पाकिस्तान भी करेगा क्योंकि पाकिस्तान के लिए कुदरत के निजाम के दरवाजे जो हैं शायद इस मैच के बाद खुल जाते हैं और पाकिस्तान की उम्मीदें जो हैं न्यूजीलैंड की उम्मीदें इस मैच के साथ बढ़ जाती है क्योंकि अगर अफगानिस्तान ये मैच जीत जाता तो संभवतः हम ये मान कर रहे थे कि वो अगला मैच भी जीतता और साउथ अफ्रीका को हराने के बाद वो सेमीफाइनल में जाता, लेकिन इस मैच में उनकी हार का असर यह है कि अब यहां से न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरवाजे खुल गए। हालांकि अफगानिस्तान को अपनी फील्डिंग पर काम करना होगा, श्रीलंका से हार जाए, ये भी याद रखना है कि पाकिस्तान को हराना पड़ेगा या बारिश हो जाए या फिर बारिश हो जाए नहीं उसमें अगर पाकिस्तान देखो पाकिस्तान जीतने पर क्वालिफाई जीतना पड़ेगा इंग्लैंड से। रहा सवाल अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हार के ना नहीं जा सकता। ये सिंपल है, क्या पाकिस्तान अपना मैच हार के इंग्लैंड से बिल्कुल, अगर ये तीनों टीम अपना अपना मैच हारती है तो कौन कितना बड़ा हार सकता है? अगेन न्यूजीलैंड इतनी बड़ी हार हो जाएगी क्या श्रीलंका से? नहीं लगता है। अगर वो छोटा मैच हो गया तो श्रीलंका ऑल्सो कम्स टू प्ले, ठीक है, वो पाकिस्तान का सही बिग चांस होगा। और श्रीलंका मेरा मानना न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया, श्रीलंका के लिए भी अहम इसलिए क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से श्रीलंका तो छोड़ो नहीं, अगर वो हार गए फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी क्या उनका? देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूं, वो जो कहते हैं ना हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, आज वही थे। वर्ल्ड कप में चेस करते हुए ये अब तक की सबसे बड़ी पारी थी 201 रनों की, लेकिन माइलस्टोन से तक क्या कमाल की पारी। खैर इस मैच के साथ ही ये स्पष्ट हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भिड़ने वाली है, ये क्लियर हो गया है। साथ ही ये क्लियर हो गया है कि ये रिकॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है। ग्लेन मैक्सवेल पहले ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक मारा है, इससे पहले किसी भी ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक नहीं मारा था। और कमाल की बात है किस जगह पर मारा, क्योंकि अगर ये मैच ऑस्ट्रेलिया हार जाती तो ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में पहुंचने पर भी क्वेश्चन होता। अगला मैच उन्हें बांग्लादेश से खेलना पड़ता, वो जीतना पड़ता और उसके बाद शायद वो नंबर दो या नंबर तीन तक पहुंचते, नंबर दो भी चांसेस कम थे। लेकिन इस मैच में मैक्सवेल की पारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। मैक्सवेल ने 210 रन बनाए हैं जो वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर फखर जमान के नाम था जिन्होंने 193 बनाया था।